धार जिले के पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 के वार्ड क्रमांक 9 में 26 जुलाई रविवार को शाम इंडस टाउन फेस 1 में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जबकि पीथमपुर नगरपालिका क्षेत्र पूरे धार जिले में शनिवार और रविवार लॉकडाउन घोषित किया गया था, परंतु लॉकडाउन के नियमों का पालन न करते हुए वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिससे काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित थे। वृक्षारोपण में पूर्व पार्षद भाजपा नेता वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सुभाष जायसवाल, संदीप जायसवाल, काफ़ी तादाद में कॉलोनीवासी महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे, जिसमें कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया गया। कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए कई मीडियाकर्मी भी पहुंचे। लॉकडाउन में वृक्षारोपण होने की नगर में खूब चर्चा हो रही है, जबकि क्षेत्र के आम नागरिकों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। कई लोगों के चालान मास्क नहीं लगाने पर काट दिए जाते हैं। दुकान खोलने पर दुकान की फ़ोटो लेकर जुर्माना वसूला जाता है। लॉकडाउन होने के कारण भी वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, यह समस्या परे है। पीथमपुर से संजय सोनगला की रिपोर्ट। राई भाई साहब, ये किस तरह से जो है यहाँ पे वृक्षारोपण का क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज वार्ड क्रमांक 9 इंडस टाउन कॉलोनी फेस 1 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था रहवासियों के द्वारा। गार्डन का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें पेवर ब्लॉक, बाउंड्री वाल, कुर्सी की सारी व्यवस्था की गई। उसी उपलक्ष्य में समस्त कॉलोनी वासियों के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आज के इस दृश्य में वातावरण का, पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह हम पौधे लगाएंगे, उससे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही अच्छी पहल हमारे कॉलोनी वासियों के द्वारा शर्मा जी, बालिया जी, संदीप जी, तिवारी जी, पवार साहब, मिश्रा जी, अहिर साहब, समस्त कॉलोनी वासियों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नई पहल चालू की पर्यावरण बचाने के लिए, पौधा लगाने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के प्रभारी जी, आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। समस्त कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।